विटामिन डी, जैसा कि हम सभी जानते हैं विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश में मिलता है, लेकिन क्या यह सचमुच सच है या झूठ है? यदि हाँ तो यह हमें कैसे प्राप्त होता है, और यदि नहीं तो क्यों हम इस विटामिन डी को सूर्य से प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं? और हम यह भी जानेंगे कि विटामिन डी में क्या खास बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस निखिल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ द वैदिक विद्यालय। सबसे पहले सनलाइट, जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रहती है, लेकिन यह तो ओजोन लेयर से फिल्टर हो जाती है। ऐसा नहीं है, सारी अल्ट्रा वायलेट रे फिल्टर नहीं हो पाती है, कुछ कुछ अल्ट्रा वायलेट रे बच जाती हैं, जो कभी यह हानिकारक होती है, कभी कभी यह हमें फ़ायदा भी दे देती है। चलिए अब हम इसके आगे जानते हैं। तो जैसा कि सनलाइट हमारे स्किन पर पड़ती है, तो अल्ट्रा वायलेट जो कि हमारे स्किन पर बने कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती है, तो यह अल्ट्रा वायलेट हमें विटामिन डी के संश्लेषण यानी विटामिन डी बनाने में ऊर्जा प्रदान करती है। और इसके गहराई में जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्किन पर जो कि 7-dihydrocholesterol था, उस पर अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन पड़ता है, तो यह प्री विटामिन D3 के रूप में बन जाता है, जो कि बाद में विटामिन D3 के रूप में बन जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि हमें कितना विटामिन डी चाहिए, हम कितना सनलाइट में रहें तो हमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। सबसे पहले एक स्टडी के मुताबिक 10 मिनट हमें गहरी धूप में रहने से हमें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी, लेकिन हमारे 35% शरीर जो कि धूप पर सीधे प्रभाव पड़ना चाहिए। यदि धूप कम है यानी कि सुबह को, तो यह संख्या 20 से 30 मिनट के लगभग में होनी चाहिए। माना जाता है कि हमें दोपहर में नहीं रहना चाहिए, दोपहर में विटामिन डी मिलती तो है, लेकिन यह हमें हानिकारक रूप भी देती है, इसलिए हमें सुबह को ही रहना चाहिए, यानी या शाम को हमें 3 से 4 बजे के समय में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और हमें गहरी धूप में भी बैठना नहीं चाहिए, यह हमारे स्किन पर को जला देती है, जिसके कारण हमारा स्किन ब्लैक हो जाता है और हमें और ज़्यादा समय सनलाइट में रहना पड़ता है, तभी हमें प्रभावित करती है। अब विटामिन डी के कुछ खास जानकारियां जानते हैं। विटामिन डी हमारे पेट में जाती है, जो कि फास्फोरस और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। यही फास्फोरस और कैल्शियम हमारे मसल्स और बोन्स बनाने में मदद करते हैं। आपने सुना होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस से ही हमारे हड्डियाँ मजबूत होती है, या इसी कारण होते हैं। तो यदि विटामिन डी की कमी होती है तो हमें रिकेट हो जाती है, जिसमें हमारे हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं तथा हमें कमज़ोरी महसूस होती है। तो आपकी कमज़ोरी महसूस होने का एक यह भी कारण हो सकता है कि आप धूप में ज़्यादा नहीं रहते हैं, यानी कि आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक आपको धूप में रहना चाहिए प्रतिदिन। लेकिन इससे कुछ और भी गंभीर बीमारियाँ होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर जैसी बीमारियाँ तथा डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तथा मसल वीकनेस से होती है, जो कि विटामिन डी के कमी से होती है। यानी कि हमें रोज़ सुबह धूप में रहना चाहिए, जो कि 20 से 30 मिनट हो सकता है, और हमें पूरी तरह कपड़े पहनने नहीं चाहिए, हमें हाफ टी शर्ट या हाफ पैंट में इस प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार का हमें धूप लग सके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग अस अ व्यू।